तो दोस्तों हमने तो टीवी चालू कर ली, आप लोगों ने करी है कि नहीं? 9 बज चुकी है, जाइए और देखिए सारे का पापा उस पे आ रहे अपने खटवा की चाल। मेरे बड़े भाई बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे निमिष भंसाली, तो देखते रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो कैप्चर करूंगा जब भैया आएंगे, तो आप लोग बस जुड़े रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज। तो हम लोग किशोरदा की नगरी खंडवा और ऐतिहासिक शहर ब्रह्मपुर से आए हैं और हमारा किशोरदा का बिग फैन क्लब है। मेरे लिए की याद रखना कभी अलविदा। जन्मदिन 4 अगस्त सोहन की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर पर तो खंडवा में मेला लग जाता है। किशोरदा फैंस क्लब में से ये तो सिर्फ गेहूं के 4 दाने, पूरा बोरा है खंडवा में, हर कोई उनको चाहता है। कभी क्या कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। प्यारे बंधुओं संगीत प्रेमियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे भैया भाभियों, मेरे दादा दादियों, मेरे भैया भाभियों, मेरे दादा दादियों, आप सबको किशोर कुमार फैंस खंडवे वालों का सप्रेम नमस्कार। किशोर जी से एक सीख है कि वो कभी भूले ने कहा से आए हैं वो, पर हमेशा खंडवा को हमेशा वो उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दिया और सब लोगों को, मतलब उनके वजह से खंडवा का पूरी दुनिया में पहचान हो गई, तो ये हम याद रखना चाहिए। मदर ने वसीयत में कहा कि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं खंडवा में नहीं बसू तो मेरा अंतिम संस्कार खंडवा में किया जाए। उनका अंतिम संस्कार खंडवा में हुआ। खंडवा की आबादी जब 1,25,000 थी और 2,00,000 लोग उस अंतिम यात्रा में थे। तो दोस्तों काफी एंजॉय के साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, आप लोगों को कैसा लगा? मजा आ गया। गोल्ड भैया आप एक नंबर माहौल में, मतलब मैं देख रहा था कैमरा वाले ने बाकी लोगों पे इतना फोकस नहीं किया मगर आपका इतना खुल का परफॉर्मेंस था कि बार बार कैमरा वाला आपकी तरफ ले रहा था। तो भैया आई लव यू और दोस्तों आप लोगों को भी मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। धन्यवाद।